बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम और उसकी बेपनाह रहमतों से आप सब मुस्तफीद हो रहे होंगे। मेरी दुआएं आप सब के लिए। आज फिर हमारे यहाँ सुबह से ही धुआंधार बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत सुहाना हो गया है और अच्छे मौसम में कुछ अच्छा खाने को भी दिल करता है। और मैं आज आप सब के साथ आज का मेन्यू शेयर करने लगी हूँ कि आज मेरे किचन में क्या बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ पिशावरी नमकीन गोश्त, जो कि हमारे घर में तकरीबन सभी की मोस्ट फेवरेट डिश है। इसके अलावा बच्चों की फरमाइश थी कि अम्मी आज कुछ मीठा भी हो जाए, और मीठे में मेरे बच्चों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मीठे चावल। गर्मी में तो इंसान का दिल ही नहीं चाहता किचन में जाने को, लेकिन जब मौसम प्यारा हो तो फिर खुद ही दिल चाहता है कुछ अच्छा बनाने को और साथ में कुछ अच्छा सा म्यूज़िक सुनने को भी। जी हाँ, म्यूज़िक सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को किस तरह का म्यूज़िक पसंद होता है। और मुझे जो म्यूज़िक पसंद है वो है बहते हुए पानी की आवाज़, गिरती हुई आबशार की आवाज़ और बरसती बारिश की आवाज़। बरसती बारिश की आवाज़ तो आज खूब ज़ोरों शोर से है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है खामोशी से तय तक ये सब सुनती रहूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आप सबकी क्या राय इस बारे में? बाहर बारिश की बूंदें साजो आवाज़ के रंग बिखेरने मसरूफ़ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़े से कलरफुल से मीठे चावल बनाऊँ और रंगों की बरसात में शामिल हो जाऊँ। कुकिंग भी एक आर्ट है, जिस तरह एक आर्टिस्ट कैनवस पर रंग बिखेरने लगता है और एक शाहकार तख्लीक कर लेता है, इसी तरह अगर कुकिंग को दिल से किया जाए अपने प्यारों के लिए तो एक खातून खाना भी बहुत से शाहकार तख्लीक कर लेती है और अपने घर के दस्तरखान को मुख्तलिफ रंगों से सजा लेती हैं। तो कुछ ऐसे ही रंग सजाने की मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है और इसमें मैं किस हद तक कामयाब हूँ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। प्लीज़ कमेंट बुक में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करते जाएं। जी तो मेरे मीठे चावल भी हो गए तैयार। इसके बाद मैंने फटाफट से बना ली रोटी और रोटी के बाद बनाई सलाद, सब ने खाया मिलके खाना। तो हमारे यहाँ तो बारिश अभी तक बरसती जा रही है, मेरा खाना भी तैयार हो गया लेकिन बारिश जूं की तूं लगी हुई है। आप सब भी अपने अपने घरों में करें इंजॉय बारिश और बारिश के पकवान। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे अब चाहूँगी इजाज़त। आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते जाएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करते जाएं। इसके साथ ही अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नए के साथ।